हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इन कुकिंग विद रेखा पहाड़िया। इन गर्मियों के मौसम में खाने में धनिया पुदीने की चटनी शामिल हो तो क्या ही बात हो, स्पेशली दाल बाटी के साथ। तो आइए विदाउट एनी फर्दर लेट्स स्टार्ट द रेसिपी ऑफ पुदीना चटनी। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। धनिया पुदीने की चटनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिए हैं 3 प्याज, 3 टमाटर, थोड़े से लहसुन की कलियां, ये लगभग 1 से 2 लहसुन की कलियां हैं, दो हरी मिर्च, फ्रेश पुदीना, फ्रेश धनिया। इन सबको आप अच्छे से पहले साफ कर लें, मतलब पुदीने के डंठल वगैरह तोड़ लें और उसे रफली कट कर लें। अब मैंने यहाँ पर एक ग्राइंडर जार लिया है, हमें इन सारी सब्जियों को पहले रफली कट कर लेना है, उसके बाद इस ग्राइंडर जार में डाल देना है। देखिए, मैंने सबसे पहले इसके अंदर डाल दी है मिर्ची, अब प्याज, फिर लहसुन, फिर ये पुदीना और धनिया। देखिए, मैंने पुदीने के डंठल भी साफ़ कर लिया और धनिया के भी, और इन्हें धो लिया अच्छे से। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच जीरा। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। 1 चम्मच नमक, नमक आप कम या ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं या फिर स्वादानुसार। बस अब हमें इनको ग्राइंड कर लेना है अच्छे से। आपको इसका फाइन पेस्ट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा फाइन पेस्ट नहीं होगा तो भी चलेगा, मीन्स अच्छा लगता है, थोड़ा दरदरापन होगा चटनी में। तो आप चाहें तो इस चटनी में पुदीने की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। पुदीना हमारे शरीर में ठंडक करता है और टेस्ट में भी बहुत अच्छा लगता है। इस चटनी में आप बिल्कुल कम पानी का यूज़ करें, क्योंकि प्याज और टमाटर में ऑलरेडी बहुत पानी होता है। ये बिल्कुल परफेक्ट है। देखिए, हमारी चटनी बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। आई होप आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। इन गर्मियों के मौसम में आप मेरी इस चटनी को ज़रूर से ट्राई करें, स्पेशली दाल बाटी के साथ। इस चटनी की खास बात यह है कि आप इसे 10 दिन के लिए फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं, इसका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। प्लीज़ रेसिपी को लाइक कीजिएगा। बहुत जल्द मिलूंगी आपसे अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।